हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपको स्वागत है। 23 से 27 अगस्त 2019 के बीच का करंट अफेयर हम आप तक लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें आपको मध्य प्रदेश जीके के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश बहुत से कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ एमपीजी के कराइए, एमपीजी के कराइए। दोस्तों इसकी दो कंडीशन है। पहला तो दोस्तों, एमपी का डेली करंट अफेयर इतना नहीं बनता है, 10 से 12 क्वेश्चन लेने पड़ते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि सिर्फ एमपी जीके का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों अब आने वाले एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश के नाम पर। दोस्तों ये हमारी 215वीं क्लास है। अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। द डायरी ऑफ मनु गांधी के अनुवादक कौन है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है त्रिदीप सुहृदय। त्रिदीप सुहृदय द डायरी ऑफ मनु गांधी के अनुवादक हैं। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में द डायरी ऑफ मनु गांधी पुस्तक को लॉन्च किया है। इस पुस्तक को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। दोस्तों मनु गांधी जो थी वह महात्मा गांधी के भतीजे जयसुखलाल अमृतलाल गांधी की पुत्री थी। अब दोस्तों बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक के अनुवादक हैं त्रिदीप सुहृदय। और आपको बता दें ये गुजराती में वास्तविक रूप में लिखी गई थी। इसका अनुवाद त्रिदीप सुहृदय ने किया है। इस डायरी के पहले खंड में 1943 से 1944 के कालखंड को कवर किया गया है। इसमें मनु गांधी और महात्मा गांधी के जीवन का भी वर्णन किया गया है। तो आपको इस पुस्तक के बारे में इतना नाम याद रखना है, और इसका नाम है द डायरी ऑफ मनु गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां दयालुता पर प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में दयालुता पर प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में दयालुता पर प्रथम विश्व युवा सम्मेलन का आयोजन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के उद्घाटन से शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन यूनेस्को महात्मा गांधी शांति शिक्षा व सतत विकास संस्थान द्वारा किया गया है। दोस्तों इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वह युवाओं को सतत राष्ट्र विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली विधियों से परिचित करवाना है। दोस्तों इसके लिए महात्मा गांधी की अहिंसा की धारणा काफी महत्वपूर्ण थी, इसलिए इस दयालुता पर प्रथम विश्व युवा सम्मेलन हमारे देश की दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है? दोस्तों यहां पर राजनेता, हाल ही में किस दिग्गज राजनेता का निधन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अरुण जेटली। हाल ही में अरुण जेटली दिग्गज जो राजनेता था इनका निधन हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक अरुण जेटली का हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों इनका जो निधन है वह एम्स में 66 वर्ष की उम्र में हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, अरुण जेटली जो भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं, 13 मार्च 2017 से 3 सितंबर 2017 तक ये रक्षा मंत्री रहे हैं। 26 मई 2014 से 30 मई 2019 के बीच देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं अरुण जेटली। दोस्तों आपको बता दें, अगस्त महीने में बीजेपी पार्टी को बहुत खामियां हुई हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और बाबूलाल गौर ये तीनों बड़े नाम हैं बीजेपी से, और इन तीनों ने दोस्तों अभी हाल ही में देहावसान हुआ है, यानी ये तीनों स्वर्ग सिधार गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पीवी सिंधु। हाल ही में पीवी सिंधु ने हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की स्टार पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में विश्व की नंबर वन फोर खिलाड़ी नोजुमी अकुहारा को पराजित कर इतिहास रचा है। दोस्तों सिंधु ने जापान की अकुहारा को 37 मिनट में हरा कर यह विश्व चैंपियनशिप अपने नाम की है। दोस्तों पीवी सिंधु के बारे में आपको बता दें, तो ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पीवी सिंधु ने हाल ही में जीती है और ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने ये चैंपियनशिप अपने नाम की है। दोस्तों पीवी सिंधु का जन्म 1995 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। 2016 में रियो ओलंपिक में देश के लिए रजत पदक इन्होंने जीता। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन के लिए इन्होंने रजत पदक जीता। तो आपको इतना याद रखना है पीवी सिंधु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मास की रूप में मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सितंबर माह को। सितंबर माह को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की है सितंबर 2019 को राष्ट्रीय मास पोषण के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की है। इस अभियान को महीने भर चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना है। दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय पोषण मास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य प्रसवपूर्ण देखभाल, स्तनपान, एनीमिया और बालिकाओं के लिए पोषण का महत्व, स्वच्छता, विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग, महिला विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवास व शहरी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मास सितंबर में मनाया जाएगा और इसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बहरीन। हाल ही में बहरीन देश ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को बहरीन के किंग हेमद ऑर्डर ऑफ द रेसियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान बहरीन की राजधानी मनामा में दिया गया है। दोस्तों श्री मोदी को यह सम्मान भारत और बहरीन के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए जो योगदान किया गया है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को वैश्विक पुरस्कार यानी विश्व में बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें एक बहरीन भी है, जिसमें दोस्तों फ्रांस देश भी है। फ्रांस ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यूएई ने हाल ही में जायद मेडल से सम्मान किया है। दोस्तों अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान आमिर अमान उल्लाह खान अवार्ड से भी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज शास के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिलिस्तीन के द्वारा और दक्षिण कोरिया शांति सियोल पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और अब हाल ही में बहरीन ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपको मध्य प्रदेश की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 21 अगस्त। हाल ही में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। दोस्तों 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता या अवेयरनेस फैलाना है और उनकी सहायता करना है। इस दिवस के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में भी अवगत कराना है। दोस्तों आपको बता दें विश्व वरिष्ठ दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 21 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की घोषणा की। दोस्तों इसके बाद अन्य देशों ने भी इसे अपनाया और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 1990 के बाद। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने सिविल सेवा जज परीक्षा में टॉप किया है? तो इसका सही ऑप्शन है जसविता शुक्ला। हाल ही में मध्य प्रदेश की जसविता शुक्ला ने सिविल सेवा जज परीक्षा में टॉप किया है। दोस्तों, इस साल 16 जनवरी को हुई सिविल जज वर्ग परीक्षा 2 के परिणाम हाल ही में घोषित किए हैं। दोस्तों, इसमें रीवा की जसविता शुक्ला ने टॉप किया है। इन्होंने 450 में से 304 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर पर दतिया की शिखा चतुर्वेदी रही हैं, तीसरे नंबर पर रेखा द्विवेदी रही हैं दोस्तों, और चौथे नंबर पर प्राची चौधरी रही हैं जो शिवपुरी से हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसमें ये भी बता दें कि सिविल सेवा जज परीक्षा में टॉप 10 में से 9 जो हैं वह महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, और इस सिर्फ एक है जो लड़का है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में पहली बार किस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के बीचों में पौधे और फाउंटेन बनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है इंदौर। हाल ही में इंदौर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पौधा रोपण और फाउंटेन बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें इंदौर जो सफाई में नंबर 1 है, और स्टेशन में ये काम होने के कारण यहाँ की जो है वो गार्डनता और जो भी स्वच्छता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों, बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। राज्य की व्यावसायिक राजधानी के नाम से, मिनी मुंबई इंद्रपुर अहिल्या नगरी के नाम से और होलकर राज्य की राजधानी के नाम से इंदौर को जाना जाता है। चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर में। दोस्तों, देश का एकमात्र शहर जहां IIM 2003 में, इसके साथ IIT 2008 में स्थापित की गई। गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में ही स्थित है। प्रदेश का एकमात्र डेंटल कॉलेज भी इंदौर में ही स्थित है। रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल आईटी पार्क की स्थापना भी यहीं पर की गई है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, जो प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है, यह इंदौर में ही स्थित है। राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य भी इंदौर में ही स्थित है। दोस्तों, इतना आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ दधी महोत्सव मनाया गया है? जिसका सही ऑप्शन है ओरछा। हाल ही में ओरछा में दधी महोत्सव मनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें हाल ही में जन्माष्टमी पर दधी महोत्सव राजा राम मंदिर में आयोजन किया गया है। दोस्तों, इसमें बुंदेलखंड के कोने कोने से ग्वाल टोलियों ने हिस्सा लिया है। दोस्तों, अब बात आई है ओरछा की, तो आपको बता दें ओरछा में राजा राम का मंदिर स्थित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर राम संग्रहालय भी स्थित है। ये दोस्तों ओरछा बेतवा नदी पर स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको बता दें, ओरछा जिस जिले में स्थित है उसका नाम है निमाड़ी, और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो ये दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, और साथ ही ये याद रखना है दधी महोत्सव ओरछा में हाल ही में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर को पॉलीथिन मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है सागर। सागर में स्कूलों में पॉलीथिन मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ऐसा हाल ही में यहाँ की कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई है, और यहाँ के महापौर द्वारा भी घोषणा की गई है। अब दोस्तों, बात आई है सागर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको सागर के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, यह सागर में ही स्थित है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना भी इंदौर के बाद सागर में की गई है, यानी दूसरा पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी सागर में ही स्थित है, और इसे जवाहरलाल नेहरू एकेडमी के नाम से जाना जाता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना भी सागर में ही प्रथम बार की गई थी। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। राहतगढ़ किला भी यहीं पर स्थित है। आपचंद की गुफाएं भी सागर जिले में स्थित हैं। और दोस्तों, एरड़, जहां पर सती का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यह भी सागर जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों, इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। हाल ही में किसने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है रागिनी मार्को ने। हाल ही में रागिनी मार्को ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी की रागिनी मार्को ने पंजाब के सुखवीर सिंह के साथ मिलकर भारत को वर्ल्ड यूथ आर्चर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया है। दोस्तों, आपको बता दें यह पदक मिश्रित जूनियर टीम इवेंट में जीता है।
भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड की एंड्रिया बलारू और जेने होसिंगर पर को जोड़ी को 152 और 147 से हराकर टूर्नामेंट में अपना दूसरा पदक हासिल किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रागनी मैक्रो हैं जो मध्य प्रदेश तीरंदाजी की हैं, इन्होंने हाल ही में देश के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डायमंड पार्क का विकास किया गया है। इसका सही ऑप्शन आप हमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो जो कल का क्वेश्चन था उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किसे सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट, इसका सही ऑप्शन था दोस्तों अनिल तिवारी। अनिल तिवारी को सुशिक्षा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको अगर स्पीड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बता दें, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है स्पीड इंक्रीज करने का, आप 1.5 में भी स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।